बीशो। नमस्कार, बीशो सैनिक कैंटीन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वेयर हाउस पर उपस्थित हैं श्री ईश्वर सिंह जी, जिनका कि बीशो सैनिक कैंटीन आईडी है 8279, जो कि हिसार हरियाणा में है। सर, स्वागत है आपका बीशो सैनिक कैंटीन के वेयर हाउस पर। सर, थैंक यू जी। सर बीशो सैनिक कैंटीन कॉन्सेप्ट के बारे में आपके विचार हम जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे कि सर बीशो सैनिक कैंटीन के साथ आपका जुड़ाव किस प्रकार हुआ, किस सोच के साथ में हुआ, और क्या कुछ आपने बीशो सैनिक कैंटीन से जुड़ने के पश्चात अब तक जो 2 साल से आप अपनी कैंटीन चला रहे हैं, क्या कुछ आपके अनुभव रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। ऐसा है जी, मैं रिटायरमेंट आने के बाद मैंने एक दिन यूट्यूब पर देखा था, जो फिर उसके बाद में जुड़ने के बाद मैंने इनकी रेट लिस्ट मंगाई। रेट लिस्ट मंगाने के बाद मेरे को बड़ा अच्छा, मतलब इनके डिस्काउंट वगैरह है, वो दूसरे से दूसरी कैंटीनों से भी कंपेयर करें, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो तब मैं इनसे जुड़ा, इनसे रजिस्ट्रेशन करवाया, और एक अच्छा मेरा अनुभव ये है कि हर आदमी, मतलब अच्छा, जो कि एक जिसके पास में, हमने एक दो के पास एजेंसी भी हैं, उसके पास भी मैंने गया, कुछ नहीं, कोई खास डिफरेंस नहीं था, मगर इनका बहुत ही उसका, जैसे मैं एक नेस्ले की मैगी के लिए गया तो उसके जिसके ऊपर है उसका 28 रुपये MRP था, वो मुझे 26 रुपये कुछ पैसे की दे रहा था, तो फिर वहाँ पे हमें क्या मिलेगा। और जबकि 20 और इस कैंटीन से वही चीज़ हमारे को 22 समथिंग कुछ मिल रही है। कुल मिलाकर आपके लोकल एरिया में जो ब्रांड्स के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी, वो लोग आपको वो मार्जिन उपलब्ध नहीं करा पाए जो मार्जिन आपको बीशो सैनिक कैंटीन ने उपलब्ध कराया। यस, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए, भविष्य में भी आपके सहयोग के सदैव आकांक्षी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।